Good afternoon, everyone. Good afternoon. A very warm welcome to all. A very warm welcome to all. So, aaj ka jo hamara session hai, in this particular session, we will be discussing the appointments and resignations which were done recently in the past 6 months. Lekin jo mera zyada focus area rahega, February, January and December. So, in 3 mahino se zyada questions aane ke chances hai. To yaad rakhiye jo appointments wala part hai, इसमें हमारे पास डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है याद करने के लिए, लेकिन उसमें से अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन का काउंट रहता है 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम, और उसी हिसाब से मैंने इस पर्टिकुलर सेशन को आपके लिए डिज़ाइन किया, और मैं कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो पूरी की पूरी डिस्कस कर पाऊँ, एक एक पॉइंट आपको डिलीवर कर पाऊँ. लेकिन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन इफ़ आई एम ऑडिबल एज वेल एज विजिबल टू ऑल. If I am audible as well as visible, please reply in the comment section and quickly copy the link of this session and share it with your friends and family so that maximum students can join us in this particular session. Aur ye jo session hai, ye sirf ECGC ke liye nahi, balki aane wale RBI attendant exams aur jo bhi hamare upcoming banking exams hai, un sabhi ke liye bahut zyada important rehne wala hai, kyunki appointments ek aisa part hai. अपॉइंटमेंट्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको जो आज की पीडीएफ है और जो कल की पीडीएफ है दोनों ही मैं फॉरवर्ड कर दूंगा. रियली वेरी सॉरी, कल की पीडीएफ मैं नहीं कर पाया फॉरवर्ड, आज और कल की पीडीएफ इस सेशन के बाद मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग इज फाइन, आई होप वी ऑल आर रेडी टू गो. चलो जल्दी से एक बस कमेंट सेक्शन में लिख दो यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर वी आर रेडी. यस सर यस सर यस सर वी आर रेडी, ताकि हम इस सेशन को स्टार्ट करें. जल्दी से लिख दो यस सर यस सर यस सर. और आई होप आप सब ने इस पर्टिकुलर सेशन के लिंक को शेयर कर दिया होगा. आई हैव संपदा विद मी, रोहित, किरण, भुवाना, सुशील, पार्थ, प्रेरणा. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल. चलिए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं. आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सो हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल. एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका आंसर क्या होगा सर, द सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई. आपके बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है जिनका क्या नाम है, जय शाह इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल. इनके अलावा जितने भी नाम आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं इन सभी के बारे में बात करते हैं. देखिएगा जरा सर, आपकी स्क्रीन पे इससे पहले एक नाम था आर एस शर्मा. सर आर एस शर्मा इज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत. आयुष्मान भारत के सीईओ की पोजीशन पे अपॉइंट किया गया, और उन्होंने किसे रिप्लेस किया सर, ही हैज रिप्लेस्ड इंदु भूषण. उन्होंने रिप्लेस किया इंदु भूषण को, तो इंदु भूषण जी की जगह नए सीईओ बने हैं किसके, आयुष्मान भारत के, कौन, आर एस शर्मा. जय शाह की अगर हम बात करें सर, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल. उन्होंने रिप्लेस किया किसे, नजमुल हुसैन को. और अगर हम बात करें एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सर एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है कहाँ, देन द आंसर विल बी कोलंबो. और कौन है सर इस पर्टिकुलर एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन, प्रेसिडेंट तो जय शाह लेकिन चेयरमैन कौन है, देन द आंसर विल बी अमिताभ चौधरी. उसके बाद एक ऑप्शन आपके पास थी सर, राम मोहन राव जी कौन है सर, राम मोहन राव जी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट हुए हैं किसके, एसबीआई कार्ड के. उन्होंने किसे रिप्लेस किया, अश्वनी कुमार तिवारी, बिकॉज अश्वनी कुमार तिवारी इज नाउ अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई. लेकिन एसबीआई का हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, लेकिन याद रखिएगा एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में किसका हेडक्वार्टर है, एसबीआई कार्ड का, याद रखिएगा. उसके अलावा याद रखिए सर, पहली विमेन चेयरमैन ऑफ सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली विमेन चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया, देन द आंसर विल बी सोमा मंडल. इट स्टैंड्स फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. सुनीत शर्मा अगर हमसे कोई पूछे, तो सुनीत शर्मा इज अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड. उन्होंने किसे रिप्लेस किया, वीकेवी यादव जी को उन्होंने रिप्लेस किया. सुनीत शर्मा इज द करेक्ट आंसर एज द सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड. उसके बाद अगर हम अगले नाम पे बढ़े, तो अगला नाम है हमारे पास पी रवि कुमार. पी रवि कुमार इज अपॉइंटेड एज द 38
38th चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका। सर कर्नाटका को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था, बहुत सारे इनिशिएटिव्स कर्नाटका में लिए गए हैं, इनोवेशन इंडेक्स में भी पहला रैंक किस स्टेट का है, देन द आंसर विल बी कर्नाटका। जो किसने दिया था स्वर, वो रैंक किसने दिया था, नीति आयोग ने। के सिवन जी की बात करें तो के सिवन जी को एक्सटेंशन दी गई है एज द चेयरमैन एज वेल एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। के सिवन इज द हैज रिसीव द एक्सटेंशन फॉर बींग द चेयरमैन ऑफ इसरो एज वेल एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। एक बात और याद रखें, अगर हम के सिवन जी की बात कर रहे हैं तो इसरो टर्म आ गया, तो इसरो के साथ याद रखें पीएसएलवी C-51 को याद रखें, और इसरो का जो ज्वाइंट वेंचर है या फिर एक ज्वाइंट हम कह सकते हैं एक ज्वाइंट मिशन है किसके साथ, नासा के साथ, उसे भी बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एस बेस्ड और एल बेस्ड रडार सिस्टम्स को यूज किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला नाम है उमेश सिन्हा। सर आपको शायद पता होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे सुनील अरोड़ा जी हैं। उसके बाद हमारे दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं सर, एक है हमारे राजीव कुमार और एक इलेक्शन कमिश्नर है हमारे सुशील चंद्र। उसके बाद अगर हम बात करें तो सर चार डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और उनमें से एक नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। उन चारों में से एक नए डिप्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या नाम है? देन द आंसर इज उमेश सिन्हा। निसर इज द करेक्ट आंसर एज द जॉइंट मिशन ऑफ इसरो एंड नासा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास है संजय कुमार। सर संजय कुमार इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। संजय कुमार और कनेरू हम्पी, कल ही हमने इनका नाम पढ़ा, कनेरू हम्पी इज गिवन एज द अवार्ड ऑफ बीबीसी विमेन्स, बीबीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर, बीबीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? कनेरू हम्पी, जो भी किससे है, चेस से है, जो किस गेम से है, अगेन शी इज फ्रॉम चेस। उसके बाद ये दोनों के दोनों नाजुक अपॉइंटमेंट्स हैं, मतलब देखा जाए तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया तो क्लास के बाद मे बी आपको ऐसा लगे या एग्जाम के बाद ऐसा लगे ये कहां से पूछ लिया, तो उसका आंसर क्या होगा? आशीष पेथे एंड संयम मेहरा, दे बोथ आर अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन रिस्पेक्टिवली ऑफ जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन कौन? आशीष पेथे। और अगर हम बात करें वाइस चेयरमैन कौन, तो आंसर क्या होगा? संयम मेहरा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला नाम है राम विनेश शाही। राम विनेश शाही इज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ द कमेटी विच इज सेट फॉर द सेज। तो यहाँ पे सेज वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के लिए कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के चेयरमैन या हेड किसे बनाया गया? राम विनेश शाही को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल इज अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इज अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा। तो नासा के एक्टिंग चीफ के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? व्हाट विल बी द आंसर? सर हाल ही में भव्यालाल को अपॉइंट किया गया एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा। उसके अलावा जितनी भी ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके अलावा जो तीन ऑप्शंस बची, नजमुल हुसैन कौन है, हेनरी मॉनस कौन है, तो प्लीज पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। सर भव्यालाल इज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा, नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए। हेनरी मॉनस को अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक। तो फेसबुक के फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं कौन? हेनरी मॉनस। याद रखना होगा हाल ही में सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए और डिजिटल न्यूज चैनल्स के लिए अपनी जो गाइडलाइंस है उन्हें रिवाइज किया, और उन गाइडलाइंस के तहत हर कंपनी को और सोशल मीडिया कंपनी को अपने इंटरनल चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स नियुक्त करने होंगे। ये एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा हेडक्वार्टर फेसबुक का कैलिफोर्निया यूएसए और सीईओ मार्क जुकरबर्ग।
अगला क्वेश्चन देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर राजीव रंजन जी कौन है? सर राजीव रंजन जी इज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु। मैं कहूंगा नाजुक अपॉइंटमेंट है, ना पूछी जाए तो ठीक, लेकिन पूछी गई तो टफ हो जाएगा। तो हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु? देन द आंसर विल बी राजीव रंजन। और उन्होंने किसे रिप्लेस किया? के शनमुगन को, के शनमुगन को रिप्लेस किया है। याद रखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु कौन है? ई के पलास्वामी। और उसके बाद अगर कोई गवर्नर पूछे तो गवर्नर कौन है? भंवरलाल पुरोहित। भंवरलाल पुरोहित इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? देन द आंसर इज तमिलनाडु। विच स्टेट? देन द आंसर इज तमिलनाडु। आगे देखते हैं। सर करण बाजवा जी को हाल ही में अपॉइंट किया गया था एज द हेड ऑफ गूगल क्लाउड इन एशिया पैसिफिक रीजन। पहले वो हेड कर रहे थे किसे? सर इंडिया के गूगल क्लाउड रीजन को, लेकिन अब वो हेड करेंगे एशिया पैसिफिक रीजन को। उनको किसने रिप्लेस किया? या फिर अब इंडिया के गूगल क्लाउड हेड किसे मनाया गया? जल्दी से बताएं, जल्दी से आंसर दें कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अभिषेक यादव इज अपॉइंटेड एज दी फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की पहली पोस्ट, ये पोस्ट पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, अब एक नई पोस्ट बनाई गई है डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। और पहले डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कौन है? देन द आंसर विल बी अभिषेक यादव। अरूप कुमार गोस्वामी इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश। ध्यान से देखते रहिए, अरूप कुमार गोस्वामी चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश, जे के महेश्वरी चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट, हिमा कोहली इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, राघवेंद्र सिंह चौहान इज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, एंड सुधांशु धुला इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दे गाइस, who is appointed as the chief justice of JNK and Ladakh? तो JNK और Ladakh का एक common high court है इन दोनों UTs का, उसके नए chief justice के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इससे पहले गीता मित्तल जी थी, who was the first women chief justice of JNK and Ladakh high court। लेकिन मेरा question अब आपसे है कि नए किसे appoint किया गया? पंकज मित्तल is exactly the correct answer। पंकज मित्तल इज द करेक्ट आंसर। मनोज सिंह नहीं है, मनोज सिंह जी इज नॉट द करेक्ट आंसर। पंकज मित्तल इज द न्यू वन, गीता मित्तल इज द अर्लियर वन। अगला क्वेश्चन है सर, एनएस विश्वनाथन जो कि आपके आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर है, ही इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ कॉलेज ऑफ सुपीरियर्स। कॉलेज ऑफ सुपीरियर्स नामक एक कमेटी बनाई गई है, एडवाइजरी काउंसिल कमेटी बनाई गई है आरबीआई द्वारा, उसके चेयरमैन बनाए गए हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन। इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन दिया था 31 मार्च 2020 ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। और इनको रिप्लेस किया किसने? हु रिप्लेस एनएस विश्वनाथन? या फिर आप ये कह सकते हैं हु इज द लेटेस्ट डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के लेटेस्ट डिप्टी गवर्नर कौन है? हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। ये बिल्कुल सही आंसर है सौरभ जी, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मुझे जल्दी से आंसर दीजिए। हु इज द लेटेस्ट डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? रागेश्वर राव, एम रागेश्वर राव इज एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, जी कृष्ण रेड्डी। सर जी कृष्ण रेड्डी नाजुक अपॉइंटमेंट है, याद रखिएगा। सर टू हेड द कमेटी विच विल वर्क टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ लद्दाख यूटी। तो लद्दाख यूटी की लैंग्वेज कल्चर और आइडेंटिटी को सेफगार्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसके हेड बनाए गए हैं किसे? जी कृष्ण रेड्डी को। ये फिर से एक नाजुक अपॉइंटमेंट। सर डॉक्टर राज अय्यर इज अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द यूएस आर्मी। Chief Information Officer of the US Army is being appointed and he is the individual as Indian-American has been appointed. The name is Raj Iyer. Last question is particular slide ka. Sumona Guha is appointed as the Senior Director for South Asia. Senior Director for South Asia by US President Joe Biden. बिल्कुल सही। अगर हम बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसके भी हेड किसे बनाया गया? एनएस विश्वनाथन जी को। ये भी ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर दें। सर हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा
फाइनेंस सर्विसेज। तो महिंद्रा फाइनेंस या महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज के महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सर ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन, वी आर लेफ्ट विथ टू मोर नेम्स, देखते हैं इन किसे नियुक्त किया गया है। वॉट विल बी दी आंसर? सर द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, जल्दी से आंसर दें गाइज, आई गेस बफरिंग नहीं है, मेरे एंड पे प्रीव्यू बिल्कुल सही है, मेरे एंड पे प्रीव्यू बिल्कुल सही है। अगर कोई बफरिंग का इशू नहीं है आप सबको, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को कि सर हमारे एंड पे बफरिंग नहीं है, आप अपना करेक्शन प्लीज चेक करें। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनीश शाह। आसान क्वेश्चन नहीं था, मुश्किल क्वेश्चन था, ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस के नए चेयरमैन के रूप में अनीश शाह जी को अपॉइंट किया गया है। सारे ऑप्शंस देख लेते हैं, देखिएगा जरा। पहला नाम है सर मर्व हुक्स। मर्व हुक्स कौन है? सर ही इज द फॉर्मर राइट आर्म फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर, जिन्हें इंक्लूड किया गया इन द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। तो मर्व हुक्स इज इंक्लूडेड इन द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। अशोक डिंडा, अशोक डिंडा, ही इज द इंडियाज क्रिकेट प्लेयर एंड अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। Jeff Bezos, Jeff Bezos, he is the founder and CEO of Amazon. He started his business as a bookseller. That means Amazon was a book selling e-commerce, and later on it has expanded its area of work. So, इसमें अगर हम बात करें, he has said that I will be serving the Amazon as executive chairman. तो वो step down करेंगे from the position of, he will step down from the position of CEO, and he will be serving as the chief. He will be serving as the executive chairman of Amazon from 1st July 2021. Where is the headquarter of Amazon? It's in Washington DC. So sir, unki jagah CEO banenge kaun? So Andy Jassy will be appointed as the CEO of Amazon. Ya unhe appoint kiya gaya as the CEO of Amazon. He will be serving the Amazon from 1st July 2021 as CEO. Next we have the answer, Anish Shah. Anish Shah is appointed as the chairman of board of Mahindra and Mahindra Finance Services. उन्होंने किसे replace किया? Sir, he has replaced Dhananjay Mungale. तो Dhananjay Mungale को replace किया किसने? Anish Shah जी ने। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, important है। अगला question देखें। Sir, who is appointed as the interim director of CBI? Central Bureau of Investigation के interim director के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? What will be the answer? जल्दी से आंसर दें। You have 15 seconds. इसमें अगर हम बात करें, ये आशीष शेलर, इनके बारे में जरूर बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर प्रवीण सिन्हा इसका आंसर हो गया। पूरी की पूरी न्यूज देखते हैं। सर प्रवीण सिन्हा इज अपॉइंटेड एज द इंटरिम डायरेक्टर ऑफ CBI। उन्होंने किसे रिप्लेस किया? आर के शुक्ला जी को रिप्लेस किया। अजय सिंह, ही इज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ही इज री इलेक्टेड एज द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। किसे री इलेक्ट किया गया एज द बॉक्सिंग फेडरेशन? तो आंसर क्या होगा? अजय शाह। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? गुरुग्राम, हरियाणा। सर एक नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, आयशा अजीज, शी इज अ 25-year-old गर्ल फ्रॉम कश्मीर एंड शी बिकम्स यंगेस्ट फीमेल पायलट। तो इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट का नाम है आयशा अजीज, और वो कौन सी कंट्री से है, कौन सी स्टेट से है? तो सर शी इज फ्रॉम JNK। उनकी एज क्या है? 25 years। अगला क्वेश्चन, सर हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विक्रम सिंह हो गया, करण बाजवा ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं, दो नाम यहाँ पे बच रहे हैं, एक है SN सुब्रमण्यन और दूसरा नाम है श्रीधर वेम्बू। तो इसका आंसर क्या होगा? सर SN सुब्रमण्यन इज द करेक्ट आंसर एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देन द आंसर इज SN सुब्रमण्यन। कौन है ये? सर ही इज द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ L&T लिमिटेड। और इन्हें अपॉइंट किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। और आपके लेबर मिनिस्टर कौन है? संतोष कुमार गंगवार इज द लेबर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अगला क्वेश्चन है श्रीधर वेम्बू। श्रीधर वेम्बू इज अपॉइंटेड एज द
National Security Advisor Board. He is appointed as the National Security Advisor Board. He is the founder and CEO of Zoho. वो founder है और CEO है किसके? Zoho के. Sir, Zoho क्या है? What do you understand by the word Zoho? तो Zoho क्या है? तो याद रखिए, Sridhar Vembu is appointed to the National Security Advisor Board. He is the founder of Zoho as well as CEO of Zoho. National Security Advisor के head अगर हम बात करें तो कौन है? National Security Advisor के head कौन है सर आपकी कंट्री में? अजीत डोवाल. वो कौन है? अजीत डोवाल. Is it clear? Guys, जल्दी से एक बार मुझे आंसर दे दीजिए. Zoho किस फील्ड में काम कर रही है? Zoho is working in which field? Is it a, I would say, financial technology company? Is it a e-commerce company? क्या है? MNC तो है. Cloud computing. Very good, Vaishnavi. Cloud computing है. अगला, Bikram Singh हम already पढ़ चुके हैं. He is the head of Google Cloud Business in India. उसके बाद M. Bloomberg. This is very important. Sir, M. Bloomberg is reappointed as the United Nations Climate Envoy. ये आप मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नाजुक क्वेश्चन है. सर, माइकल या एम ब्लूमबर्ग इज रीअपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एनवॉय. उसके बाद सर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली वुमेन चेयरमैन या पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट की गई है, जिन्होंने रिप्लेस किया किसे? रोबर्टो एजेवेडो को. हेडक्वार्टर WTO का जिनेवा स्विट्जरलैंड. दूसरी तरफ अगर कोई पूछे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है. और अगर हमसे कोई पूछे कि सर, ये लेडी जिनको अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, शी इज फ्रॉम विच कंट्री? सर, शी इज फ्रॉम नाइजीरिया. वो कौन सी कंट्री से है? सर, शी इज फ्रॉम नाइजीरिया. क्लियर है गाइस? यहां तक क्लियर हो गया? समझ आ रहा है? अरे मजा आ रहा है? 25 मिनट हो गए क्लास को चलते, एक बार रिप्लाई कर दो अगर मजा आ रहा हो तो. मजा आ रहा हो तो जस्ट लिख दो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, मजा आ रहा है, जल्दी से. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन इज, सर, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी हायर्ड बाय जापान बेस्ड सॉफ्टबैंक ग्रुप्स विजन फंड एज देयर मैनेजिंग पार्टनर? तो इनमें से किससे हायर किया गया है जापान बेस्ड सॉफ्टबैंक ग्रुप्स विजन फंड एज देयर मैनेजिंग पार्टनर? तो किसे मैनेजिंग पार्टनर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड बता चुका हूं, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मैड्रिड स्पेन बता चुका हूं. ठीक है जी, क्लियर है? राजश्री जी, क्या रिपीट करूं? राजश्री, व्हाट शुड आई रिपीट? प्लीज राइट डाउन दैट पर्टिकुलर टर्म, आई विल रिपीट इट फॉर श्योर. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर, इस क्वेश्चन का आंसर है नागराज कश्यप. तो जैसा कि आप लोग आंसर नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. क्वेश्चन हमारे पास है, आई रिपीट, कि सर, कौन अपॉइंट किया गया एज द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द जापान बेस्ड सॉफ्टबैंक ग्रुप्स विजन फंड? तो विजन फंड के मैनेजिंग पार्टनर के रूप में नागराज कश्यप जी को अपॉइंट किया गया है. बाकी सारे ऑप्शंस देखते हैं. ये जो चारों ऑप्शंस लिखे गए, ये देखिए, ये चारों ऑप्शंस का डिस्क्रिप्शन है अगली स्लाइड पे. पहला ऑप्शन नागराज कश्यप, क्लियर हो गया सर. ही इज हायर्ड बाय द जापान बेस्ड सॉफ्टबैंक ग्रुप्स विजन फंड एज देयर मैनेजिंग पार्टनर. सर, टीपी राजेंद्रन, इन्हें अपॉइंट किया गया एक कमेटी का हेड, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द हेड ऑफ द कमेटी. सर, क्या है वो कमेटी? अगर उस कमेटी की बात करें तो सर, 27 पेस्टिसाइड्स की प्रोडक्शन को बैन करने की बात की है गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है उस बैन को रिव्यू करने के लिए. और उस रिव्यूइंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? टीपी राजेंद्रन इज द चेयरमैन. अगला टर्म आता है सर, टोमोआकी टेक्यूची. He is appointed as the country head and managing director of Japan by Wipro Limited. और जर्मनी के विप्रो लिमिटेड के हेड कौन अपॉइंट किए गए? Then the answer is M. Seeger. तो M. Seeger, जर्मनी, ऑस्ट्रिया. टोमोआकी टेकुची जापान सीईओ या जापान कंट्री हेड. नागराज कश्यप जापान बेस्ड सॉफ्ट बैंक का जो विजन फंड है उसके मैनेजिंग पार्टनर. और टीपी राजेंद्रन आपकी कमेटी के चेयरमैन. आगे देखिए लिस्ट. सर, तरुण छाबड़ा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट. सर, ही इज अपॉइंटेड एज द सीनियर डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी
बाय यूएस प्रेसिडेंट। तो सीनियर डायरेक्टर अपॉइंट किए गए टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी के, किसके द्वारा? सर द लेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड द नेम इज जॉय बिडन। सर प्रीति पंत, प्रीति पंत विल हेड द एक्सपर्ट पैनल विच विल एग्जामिन द फाइंडिंग्स ऑफ नेशनल हेल्थ सर्वे। तो नेशनल हेल्थ सर्वे के लिए एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया और प्रीति पंत को उनका हेड बनाया गया। आर एस शर्मा जी को हाल ही में अपॉइंट किया गया एज ए सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत, लेकिन उससे पहले उन्हें अपॉइंट किया गया था एज द हेड ऑफ द 10 मेंबर कमेटी, एज द हेड ऑफ द 10 मेंबर कमेटी टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड 19 वैक्सीन। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने बीसीसीआई को रिप्रेजेंट किया इन द आईसीसी बोर्ड मीटिंग, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग थी। बीसीसीआई की तरफ से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया बीसीसीआई को? देन द आंसर विल बी जय शाह। सर सुभाष खुंटिया जी कौन है? सर सुभाष चंद्र खुंटिया इज द चेयरमैन ऑफ IRDAI, इज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, and he is appointed as the head of the committee, Health Insurance Advisory Committee. तो Health Insurance Advisory Committee बनाई गई है IRDAI द्वारा, और उसके chairman किसे बनाया गया है? सर chairman बनाया गया IRDAI के chairman को, जिनका नाम है सुभाष खुंटिया। अगला question, सर जयंत कुमार दास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सर इन्हें अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन फॉर द कमेटी सेटअप बाय आरबीआई टू रेगुलेट द डिजिटल लेंडिंग फ्रॉड्स। डिजिटल लेंडिंग फ्रॉड्स के लिए कमेटी बनाई गई है जिसके चेयरमैन बनाए गए हैं जयंत कुमार दास। ये नाम देखिए सर, ये तीन नाम है, मिलिंद पंत, दूसरा नाम है किरण मजूमदार शॉ, और तीसरा नाम है एडवर्ड नाइट। दीज थ्री आर अपॉइंटेड एज द वाइस चेयर ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन कौन है? हु इज द हेड ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल? अगर कोई पूछे वाइस चेयर, तो सर एक नहीं है, तीन है वाइस चेयरमैन। कौन कौन? किरण मजूमदार शो, मिलिंद पंत एंड एडवर्ड नाइट। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के हेड कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल? गाइस प्लीज शेयर करो यार इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए, और इस क्वेश्चन का आंसर करो यार, जल्दी से आंसर करो। विजय अडवाणी, आई एम गेटिंग द आंसर। वैष्णवी सिंह विजय अडवाणी, इज इट करेक्ट? व्हाट अबाउट अदर्स? जल्दी से रिप्लाई करो। हु इज द हेड ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल? ये एक ऐसा विंग है जिसे अपॉइंट किया जाता है, ये एक ऐसा विंग है जिसका मेन कंसर्न है टू बूस्ट अप द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो इंडिया एंड यूएस की ट्रेड को बूस्ट अप करने के लिए इस पर्टिकुलर विंग को सेटअप किया गया। देन व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी से आंसर दे गाइस। आई गेस अब सही होगा, प्लीज रिप्लाई गाइस। आई गेस इट्स फाइन नाउ, जल्दी से रिप्लाई कर दो। आई गेस अब बिल्कुल सही होगा। चलिए, ओके गाइस, एक बार दोबारा से इसका लिंक कॉपी करके शेयर कर दो यार, बहुत सारे लोगों ने सेशन को लिफ्ट कर दिया, तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से इस सेशन के लिंक को शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल जाए कि सेशन इज ओके, इट्स रनिंग फाइन। चलो अगला और आखिरी है सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ ट्रस्ट विच मैनेज सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। तो सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, उसके ट्रस्ट के चेयरमैन किसे बनाया गया? सर उसके ट्रस्ट के चेयरमैन बनाए गए नरेंद्र मोदी जी। ये पहली बार नहीं हुआ किसी पीएम को बनाया जाए, सर सेकेंड टाइम हुआ, इससे पहले मुरारजी देसाई जी को बनाया गया था, और अब बनाया गया किसे? नरेंद्र मोदी जी को द चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट विच मैनेजेस द सोमनाथ टेम्पल। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इजी क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। सर मारियो ड्रागी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सर मारियो ड्रागी को अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट मुरारजी देसाई थे वैष्णवी जी, सेकेंड नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि पीएम भी हैं, और ही इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ
सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट एज वेल। तो इसका आंसर क्या होगा सर, इटली करेंसी यूरो कैपिटल रोम। तो इसका आंसर क्या होगा इटली। बात कर लेते हैं मारियो ड्रागी, मारियो ड्रागी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। उन्होंने किसे रिप्लेस किया सर, ही हैज रिप्लेस, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये भी सर, ही हैज रिप्लेस सर, ही हैज रिप्लेस गुसेपे गोंते, ही हैज रिप्लेस गुसेपे गोंते को रिप्लेस किया। इससे पहले ये क्या थे सर, ही वॉज द फॉर्मर, ही वॉज द फॉर्मर चीफ ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ही वॉज द फॉर्मर चीफ ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की करंट चीफ कौन है, क्रिस्टीन लेगार्ड, क्रिस्टीन लेगार्ड इज द करंट चीफ ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चीफ बनने से पहले क्रिस्टीन लेगार्ड वॉज द फॉर्मर चीफ ऑफ, वॉज द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ IMF, और आज की डेट में डायरेक्टर जनरल IMF की कौन है, क्रिस्टलीना जॉर्जविया। गाइज याद रहेंगे तीनों नाम, मारियो ड्रागी वॉज द फॉर्मर चीफ ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, क्रिस्टीन लेगार्ड इज द करंट चीफ ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, क्रिस्टलीना जॉर्जविया इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ IMF, बट क्रिस्टीन लेगार्ड वॉज द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ IMF। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है सर, जस्टिस पी वी संजय कुमार इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है यार, इसको टिक कर लेना। मार्क लिस्टोसेला इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है, देन द आंसर इज मार्क लिस्टोसेला। और उन्होंने किसे रिप्लेस किया सर, ही हैज रिप्लेस ग्वेंटर बुस्टिक, ही हैज रिप्लेस ग्वेंटर बुस्टिक। उसके बाद अगर हम बात करें करीम खान, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, करीम खान इज अपॉइंटेड एज द चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उन्होंने रिप्लेस किया फातो बेंसोदो को, उन्होंने रिप्लेस किया फातो बेंसोदो को। और एक चीज और आंसर दीजिए सर, ये जो हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ सेटअप है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ सेटअप है, मे आई हैव दी आंसर्स प्लीज, वेयर इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सेटअप, और वेयर इज दी हेडक्वार्टर वर्ड कैन बी यूज फॉर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। जल्दी से आंसर दे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सर रश्मि, अगला क्वेश्चन है रश्मि सामंत इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स यूनियन। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स यूनियन की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन अपॉइंट की गई है कौन, रश्मि सामंत, राणा दगुपति इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीएट टायर्स, एज वेल एज आमिर खान इज अपॉइंटेड, वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीएट टायर्स। याद रखिएगा नीदरलैंड्स इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के नए एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, देन द आंसर इज सर, ये दोनों ऑप्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये दोनों ऑप्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, इस क्वेश्चन का आंसर प्रीति सिन्हा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर अजय माथुर नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रीति सिन्हा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रीति सिन्हा। पहले देख लेते हैं क्या क्या है इसमें सर। अजय माथुर को अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, प्लीज क्लियर कर लो, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, द अलायंस विच वॉज लॉन्च बाय नरेंद्र मोदी जी, एंड द प्रेजिडेंट ऑफ दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज इंडिया, को प्रेजिडेंट इज फ्रांस, एंड अजय माथुर इज द डायरेक्टर जनरल, इट्स हेडक्वार्टर इज इन गुरुग्राम हरियाणा। प्रीति सिन्हा इज अपॉइंटेड एज द चीफ इज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, और उन्होंने किसे रिप्लेस किया, शी रिप्लेस जे काल, और ये नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डब्ल्यू टी ओ की चेयरमैन। और अगला नाम है हमारे पास जे एम सामा लोकोंदो केंगे इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोंगो। जे एम सामा लोकोंदे केंगे इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोंगो। कोंगो की कैपिटल है किनशासा, और कोंगो की करेंसी है कोंगोलीज फ्रैंक। गाइस यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कोंगो दो कंट्रीज है आज की डेट में, एक है रिपब्लिक ऑफ कोंगो,
एक है हमारे पास रिपब्लिक ऑफ कोंगो और एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो अगर हमसे कोई पूछे दोनों कंट्री सर अफ्रीकन नेशंस है दोनों की दोनों, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे रिपब्लिक ऑफ कोंगो की कैपिटल, सर रिपब्लिक ऑफ कोंगो की कैपिटल है ब्रजविल, रिपब्लिक ऑफ कोंगो की कैपिटल है ब्रजविल, रिपब्लिक ऑफ कोंगो की कैपिटल है ब्रजविल। और अगर हमसे कोई पूछे कि सर करेंसी क्या है, सर करेंसी है सीएफए फ्रैंक, करेंसी है सीएफए फ्रैंक, किसकी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। और ये क्या है सर, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्लियर है जी, क्लियर है, क्लियर हो गया ना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, क्लियर है, समझ आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इससे पहले एक लिस्ट मिस हो गई, हाँ जी इस लिस्ट पे बात करते हैं। विश्ववीर आहूजा, विश्ववीर आहूजा इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ रत्नागर बैंक लिमिटेड या फिर आरबीएल बैंक। जस्टिस बंसी लाल भट्ट इज गिवन द एक्सटेंशन टू सर्व एज द नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल चेयरपर्सन। द नेम इज जस्टिस बंसी लाल भट्ट रिसीव द एक्सटेंशन टू सर्व एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल। सिद्धार्थ मोहंती इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी। राजीव लोचन इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सुंदरम फाइनेंस। संजीव कुमार इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ TCIL, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। तीनों नाजुक अपॉइंटमेंट्स है, याद रखिएगा। किरण रिजिजू को दिया गया आयुष मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो। रीजन श्रीपद यशो नायक जी का हुआ था एक्सीडेंट। उसके बाद याद रखें जयंत एन खोबरागे। अगर हम जयंत एन खोबरागे की बात करें तो ही इज अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट अम्बेसडर टू एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और जिसके 10 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें थाईलैंड सिंगापुर मलेशिया भी, थाईलैंड सिंगापुर, अगर हम बात करें थाईलैंड सिंगापुर ब्रुनई इंडोनेशिया मेंबर्स हैं, इंडोनेशिया मेंबर्स हैं, और अगर हम बात करें कैम्बोडिया लाओस वियतनाम फिलीपींस मेंबर्स हैं। तो मैंने आपको 10 में से 8 नाम बता दिए। दो नाम मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं मेंबर कंट्रीज के, दोनों एम से हैं। मे आई हैव द आंसर प्लीज। प्रियांशी पतिदर, व्हाट डू यू वांट टू से, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। प्रियांशी आई गेस अब बफरिंग नहीं हो रहा, आई गेस इट्स नॉट बफरिंग एनी मोर। तो अब तो बफरिंग नहीं हो रही ना, अब तो बफरिंग नहीं हो रही। तो याद रखिएगा, अगर हमसे कोई पूछे कि सर एशियन के मेंबर कंट्रीज, तो मलेशिया और म्यांमार, गाइज याद रखिएगा, मलेशिया और म्यांमार मॉरिशियस मेंबर नहीं है, मॉरिशियस और मालदीव मेंबर नहीं है, मॉरिशियस और मालदीव मेंबर नहीं है। अगर आपने कभी ध्यान से मैप देखा होगा, मॉरिशियस तो अफ्रीकन कंट्री है और मालदीव इज ऑन द अदर साइड देन इन कंपेरिजन टू दी एशियन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है जी, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, सर हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी व्हेन किरण बेदी वाज रिमूव्ड एज द गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। हाल ही में किरण बेदी जी को एक अवार्ड भी दिया गया, हाल ही में किरण बेदी जी को एक अवार्ड भी दिया गया, उस अवार्ड का नाम भी बता दे। सो सर मैं कहूंगा तेलंगाना की गवर्नर टी सुंदराजन को, तेलंगाना की गवर्नर टी सुंदराजन को अपॉइंट किया गया, एडिशनल हम कह सकते हैं एडिशनल चार्ज दिया गया एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, नाम याद रखिएगा। अगर हमसे कोई पूछे कि सर बनवारी लाल पुरोहित कौन है, मैंने अभी आपको बताया था ही इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। अगर हमसे कोई पूछे बिस्वाभूषण हरिश्चंदन ही इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, हेल्प कर रहा हूं मैं आपकी। प्रोफेसर जगदीश मुखी इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट, जगदीश मुखी इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। सर ही इज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ मिजोरम, ही इज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ मिजोरम।
गवर्नर है किसके, मिजोरम के, फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं किसके, मिजोरम के, याद रखिएगा, द नेम इज जगदीश मुखी, ठीक है। उसके बाद एक नाम आपका, एक नाम बचा, एक नाम बचा, और इसमें अगर हमसे कोई पूछे आज की डेट में, ये असम के गवर्नर है, ही इज द 26th गवर्नर ऑफ असम, ही इज द 26th गवर्नर ऑफ असम। इनके पास एडिशनल चार्ज था एज अ गवर्नर ऑफ मिजोरम, लेकिन अब मिजोरम का चार्ज इनके पास नहीं है, ही वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ मिजोरम, बट राइट नाउ ही इज द गवर्नर ऑफ असम। अब मेरे पास एक क्वेश्चन बचा, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित जी कौन है, मैंने अभी अभी आपको बताया, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, गाइस ही इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। क्लियर हो गया? अरे भाई क्लियर हो गया, सब सब समझ आ गया, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े, तो टी सुंदर राजन तेलंगाना एज वेल एज पुडुचेरी, जगदीश मुखी असम अर्लियर मिजोरम एज वेल, बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु, और बिश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते, अगला देखिए, ये हमने कवर अप कर लिया, अब हम वापस चलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने मुझे नहीं दिया, किरण बेदी जी को हाल ही में क्या अवार्ड दिया गया है, किरण बेदी जी वॉज अवॉर्डेड एज, किरण बेदी वॉज अवॉर्डेड एज, वॉज अवॉर्डेड एज, वॉज अवॉर्डेड एज बैटन ऑफ ऑनर, वेरी गुड, बैटन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया हाल ही में किरण बेदी जी को, हाल ही में किरण बेदी जी को बैटन ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, एक तरफ से आपने उन्हें हटाया एज अ गवर्नर और दूसरी तरफ आपने उनको एक ऑनर दिया, तो जो ऑनर दिया गया दैट वॉज गिवन बिकॉज ऑफ हर पब्लिक सर्विसेज जो उन्होंने की, जो उन्होंने अपनी पब्लिक सर्विसेज की उसके लिए उन्हें ऑनर दिया गया, और ये ऑनर हाल ही में दिया गया, आई थिंक 7th या 8th मार्च की न्यूज है, आई एम नॉट श्योर, 7th या 8th मार्च की न्यूज है जिसमें उन्हें ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया, ठीक है जी, याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है सर दर्शन, दर्शन एक एक्टर है जिन्हें अपॉइंट किया गया कर्नाटका द्वारा एज देयर एग्रीकल्चर एम्बेसडर, एग्रीकल्चर एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका इज अपॉइंटेड एंड द नेम इज दर्शन हिमा दास, शी इज अपॉइंटेड एज द डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बाय असम गवर्नमेंट। कौन है ये सर? ये एक एथलीट है, ये एक एथलीट है, इन्हें धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। चेयरमैन सॉरी चीफ मिनिस्टर ऑफ असम कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल, और प्रोफेसर जगदीश मुखी, मैंने अभी आपको बताया, गवर्नर ऑफ असम। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर एंड सेक्रेटरी जनरल कौन है? हु इज द सेक्रेटरी जनरल? मे आई हैव द आंसर्स प्लीज? जल्दी से मुझे आंसर्स दीजिए, जल्दी से मुझे आंसर्स दीजिए, आई वॉन्ट एवरी वन टू रिप्लाई, आई वॉन्ट एवरी वन टू रिप्लाई प्लीज। सो वॉट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इट विल बी उषा राव मोनारी, उषा राव मोनारी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारी ऑप्शन पे भी बात करेंगे। उषा राव मोनारी, शी इज अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें सर, जॉर्जी गखारिया इज अपॉइंटेड हैज अनाउंस्ड द रेजिग्नेशन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्जिया। तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्जिया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये बनेगा सर, जॉर्जिया के नए पीएम का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ पीएम ऑफ जॉर्जिया? तो जॉर्जिया के नए पीएम का क्या नाम है? मे आई हैव द आंसर्स प्लीज? जल्दी से बताएं। तो उनका नाम क्या है सर? द नेम इज इराकी गरीबाश्वली, इराकी गरीबाश्वली इज द न्यू पीएम ऑफ जॉर्जिया, ही इज द न्यू पीएम ऑफ जॉर्जिया। याद रखिए जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी और जॉर्जिया की करेंसी जॉर्जियन लारी। नेक्स्ट सर अगला लिस्ट देखें, उत्तम कुमार सिंह इज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट, ए आर रहमान इज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ बैफ्टा ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, वर्षा जोशी इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, अमिताभ जैन इज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी
of Chhattisgarh government. Sandeep Kataria is appointed as the CEO of Bata Show Organization. उसके बाद अगर हम बात करें श्रीकांत माधव वैद्या, तो ये तो याद हो ही जाएगा. श्रीकांत माधव वैद्या इज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन. मैं कहूंगा नाजुक है, याद कर लेना. ठीक, आगे बढ़े. कुलदीप हांडू इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट. अक्षय कुमार इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस बाय हिंदुस्तान यूनिलिवर. Uday Shankar is appointed as the new president of FICCI, that stands for Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry. He has replaced whom? Sangeeta Reddy. Anil Soni is appointed as the CEO of newly launched WHO Foundation. The WHO Foundation banai gayi hali mein, aur WHO Foundation banai gayi hali mein, to uske pehle CEO appoint kiye gaye, and the name is Anil Soni. Justice Rajesh Bindal, Chief Justice of Common High Court of, अगर हम बात करें UT, that is Jammu and Kashmir and Ladakh. उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आंसर है नागेंद्र प्रकाश. He is appointed as the United Nations Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions. ये important है, नागेंद्र प्रकाश, related with US. Uday Kotak, सबको पता होगा, CEO of Kotak Bank. तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए सर, ये टेम्परेरी थे, अब इनको याद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब परमानेंट अपॉइंट हो चुके हैं, जिनका नाम क्या है, द नेम इज पंकज मित्तल. ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टोक्यो ओलंपिक. तो टोक्यो ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया, then what will be the answer? So Tokyo Olympic president is recently appointed, and what is the name? So the name is Seiko Hashimoto. Obviously आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, इन्हें कैसे याद करें, याद करना अब रिवाइज करने का भी आपके पास टाइम नहीं है. जिन लोगों ने इन अपॉइंटमेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा है उनका रिवीजन हो रहा है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो बस इस चीज को ध्यान से सुने, एक एक वर्ड को देखे, क्लास के बाद एक बार पीपीटी को या पीडीएफ को रिवाइज कर ले, दैट्स इट. अगर आप इतना काम कर लेते हैं इट विल बी मोर देन सफिशिएंट. इतना काम भी कर लेंगे तो कल के क्वेश्चन में आप, हम कह सकते हैं कल के क्वेश्चन में आप ऑप्शंस को देखकर आंसर कर पाएंगे. यू कैन आइडेंटिफाई द आंसर बाय लुकिंग इन टू द ऑप्शंस. तो ये फॉर्मर प्रेजिडेंट है इस पर्टिकुलर कमेटी की, और नई प्रेजिडेंट कौन है, Seiko Hashimoto. So Seiko Hashimoto is appointed as the Tokyo Olympic president. पहले कौन थी, Yoshiro Mori. Ajay Malhotra, ये बड़ा important नाम है. Ajay Malhotra has become the first Indian to be appointed as, नाजुक appointment है, to be appointed as the first chairperson of United Nations Advisory Committee of Human Rights Council. Human Rights Council का headquarter Geneva, Switzerland, और इससे related फिजी की अंबेसडर का भी नाम याद रखिए, who has been elected as the president of Human Rights Council. क्या नाम है उनका, Human Rights Council की नई प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुई है, उनका क्या नाम है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दें. मैं आगे बढ़ रहा हूँ. मोहम्मद यूनस मेनफी इज अपॉइंटेड एज द इंटरिम हेड ऑफ लिबिया. अब्दुल हमीद इज अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिबिया. आगे देखें, राजा चेरी इज एब्सोल्युटली द इंपॉर्टेंट नेम. हाँ बिल्कुल, अजय मल्होत्रा भी हैं, अजय माथुर भी हैं, अजय सिंह भी हैं, तीनों आपको याद रखना होगा, और एनएस खान का नाम याद रखना होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल. शशि शेखर वेम्पति, एसएस वेम्पति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन. सत्येंद्र गर्ग इज अपॉइंटेड एज डीजीपी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. रणवीर सिंह कृष्णा पुलिस चीफ ऑफ पुडुचेरी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुडुचेरी न्यूज में है. विनीत अग्रवाल इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम. सुमंत सिन्हा इज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम. आदित्यनाथ दास इज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश. और नीलम स्वामी नीलम सोने नीलम
Sohne is appointed as the principal advisory to the chief minister of Andhra Pradesh. Agla question dekhe. Sir, who is appointed as the managing director and CEO of Yes Bank? Yes Securities. To answer kya hoga? Prashant Prabhakaran. Vice Admiral Rajat Datta is appointed as the Director General of Armed Forces Medical Services. Ye bhi bada important hai. Yaad rakhiyega. Okay. Agla question. Sir, who is appointed to drive the public awareness campaign? RBI kehta hai. So, RBI kehta hai ya RBI se? Suno, RBI kya kehta hai? Ya RBI se ka jo cyber fraud se related ek public awareness campaign hai. उसके अंबेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया ताकि उनकी कैंपेनिंग हो सके, तो उसका आंसर क्या होगा? वायरस कौन है ये? सर, एक पंजाबी रैप स्टार है जिन्हें अपॉइंट किया गया है. पीएम नरेंद्र मोदी इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग. वायरस पंजाबी सिंगर एंड रैपर. और वी नारायण स्वामी वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी. अगला क्वेश्चन. Sir, who is appointed as the brand ambassador of Unacademy? Unacademy के नए brand ambassador के रूप में किसे appoint किया गया है? Then the answer will be Sachin Tendulkar. Luminous Inverter, तो भी answer क्या होगा? Sachin Tendulkar. आयुष्मान खुराना Bajaj Alliance के brand ambassador के रूप में appoint किया गया. आयुष्मान खुराना को, Bowman ईरानी को appoint किया गया as the brand ambassador of Max Bupa. ग्रेडअप के ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन इज द करेक्ट आंसर. देखिए जरा, विजय सांपला इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. कौन? विजय सांपला. वुचोंग उम इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. प्रेजिडेंट इज मसत्सुकु असकावा. वाइस प्रेजिडेंट इज अशोक लवासा. अगला नाम इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर ए शक्ति विल. ही इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली. ये नाम हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं. इनमें से एक नाम जो इंपॉर्टेंट बचा वो है नीतल नारंग. नीतल नारंग फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया. नाजुक अपॉइंटमेंट है, याद रखिए. ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्लास प्लस सौरभ गांगुली. डॉक्टर हर्षवर्धन बोर्ड मेंबर ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन, दैट इज गेवी के बोर्ड मेंबर है. शांतनु चौधरी इज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द कमेटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. पीवीजी मेनन इज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया. राजीव जलोटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट नाम है, चेयरमैन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट. उसके बाद दिलीप रथ इज अपॉइंटेड एज द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन. ए के गुप्ता इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC. चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अब इससे रिलेटेड कोई ज्यादा न्यूज नहीं है. जब पहले ये न्यूज में थे तब इंपॉर्टेंट भी था. आखिरी में अगर हम बात करें शशि या SS Vempati इज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द कमेटी to review the guidelines for television rating agencies in India. तो गेवी एक ऐसा अलायंस है जो किया गया है बाय डिफरेंट नेशंस, जिसका हाल ही में जो सबमिट हुआ था दैट वॉज होस्टेड बाय यूके. यूके के प्राइम मिनिस्टर ने उसे होस्ट किया था, जिसमें इंडिया ने भी $15 million प्लेज किए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीनेशन फॉर द एंटायर वर्ल्ड. अगला क्वेश्चन, सर, मोहम्मद बैजूम इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. कल भी मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूँ. मोहम्मद बैजूम इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. देन द आंसर इज नाइजर. ही इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर. तो याद रखिएगा, इराकली गरीबाश्वली ही इज अपॉइंटेड एज द Prime Minister of Georgia. Mohamed Bazoum, he is appointed as the President of Niger. He will be taking up the position in April 2021. Then we have Natalia, very important. Natalia Vodianova. She is a Russian model appointed as the Goodwill Ambassador of United Nations Population Fund. Dushyant
Chautala. He is re-elected as the president of Table Tennis Federation of India. Who is he? Sir, he is the deputy chief minister. Who is he? He is the deputy chief minister. Who is the deputy chief minister of Haryana? He is the deputy chief minister of Haryana. So these were the few important appointments, guys. दो एक से दो लगभग एक घंटे में या एक घंटे से भी कम में काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट्स हमने कवर की. मेरे हिसाब से हर एक अपॉइंटमेंट समझ आई होगी. आज रात 9 बजे दोबारा जुड़ेंगे. आज रात 9 बजे हम दोबारा जुड़ेंगे रिवीजन सेशन में आपके ECGC PO के लिए. कीप ऑन शेयरिंग एंड लाइकिंग दिस सेशन. और गाइज अगर इस सेशन में मजा आया हो तो एक बार गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ लव साइन ताकि मुझे पता चल जाए यस यू ऑल आर एंजॉइंग दीज रिवीजन सेशंस. और उसके साथ साथ याद रखें ऑल इंडिया मॉक जरूर अटेंड करें 13th और 14th मार्च 12 बजे जो कि एक फ्री लाइव टेस्ट है. किसके लिए? SBI क्लर्क के लिए. SBI क्लर्क के लिए एक फ्री टेस्ट है, मॉक टेस्ट है जिसमें आप जरूर जुड़े. उसके साथ 14th को आप हमारी टीम के साथ जुड़े फॉर द एनालिसिस ऑफ द ECGC PO एग्जाम शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 एज वेल एज द मेमरी बेस्ड क्वेश्चंस विल बी डिस्कस. तो जिन्होंने अभी तक ग्रेड अप सुपर को सब्सक्राइब नहीं किया क्विकली सब्सक्राइब टू ग्रेड अप सुपर एंड यूज द कोड Bank35. Use the code Bank35 to enjoy 35% of discount. Bye bye guys. Do subscribe the channel if you haven't yet and do share the link of this session. Till then, stay home, stay safe, take care guys. Bye bye. Thank you. We'll catch you all soon. Bye bye. Thank you.